नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको मैसूर के चिड़ियाघर को दिखलाने के लिए ले चलेंगे। ये चिड़ियाघर अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर चुका है और ये यूनिक चिड़ियाघर है। ऐसे तो हर शहर में चिड़ियाघर होते हैं और चिड़ियाघर बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मनोरंजन हो सके, बच्चों में जानवरों के प्रति चेतना जागे, शिक्षा का प्रसार हो सके। इसके अलावा जो लुप्त प्राय प्राणी हैं उनका संरक्षण और संवर्धन भी यहाँ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं चिड़ियाघर की ओर। यदि आप भारत के मैसूर शहर में घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर अन्य स्थानों को देखने के साथ साथ यहाँ का चिड़ियाघर भी अवश्य देखें। ये चिड़ियाघर यहाँ पर मैसूर पैलेस है, उसके बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। इस ज़ू का निर्माण 1892 में महाराजा चामराजा बुडियार ने कराया था और इसकी गिनती भारत के कुछ बेहतरीन जूलॉजिकल पार्क में करी जाती है। इस चिड़ियाघर में एक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम भी है। करीब 250 एकड़ में फैले इस ज़ू में कई स्तनपायी, सरीसृप और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। पहले इस चिड़ियाघर का नाम पैलेस जू था, जहां केवल शाही परिवार ही घूमने के लिए आता था। हालांकि बाद में चामराजा बुडियार ने आम लोगों के लिए भी इस चिड़ियाघर को खोल दिया था। ১৯০৯ में इस चिड़ियाघर का नाम बदलकर चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन रखा गया। चिड़ियाघर में आधुनिक इंक्लोजर बनाने में मिर्जा इस्माइल और जी एच क्रोमविल का विशेष योगदान रहा है। 1948 में चिड़ियाघर को राज्य सरकार के पार्क एवं उद्यान विभाग को सौंप दिया गया। 1972 में इसे वन विभाग को सौंपा गया और 1979 में इसे जू अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका को सौंप दिया गया। विशेष बात यह है कि 1992 में इस चिड़ियाघर ने अपने स्थापना का 100वां साल मनाया था। आम जनता को पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए जू में जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं। चिड़ियाघर में भरपूर हरियाली है, देशी विदेशी पेड़ पौधों की करीब 85 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर पशु पक्षियों को गोद लेने के लिए एडॉप्शन स्कीम भी चलती है। चिड़ियाघर में करीब 148 प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन सैलानी आते हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर दुर्लभ प्रजाति के बहुत ही बड़ी संख्या में पक्षी भी देखे जा सकते हैं। ये जो सामने आप जानवर देख रहे हैं ये चीता है, ये भारत से अब लुप्त हो चुका है। मैसूर जू का इस्तेमाल मुख्य रूप से कैप्टिव ब्रीडिंग प्रयोग के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या को बढ़ाना है। यहाँ अब तक अनेकों लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन, संरक्षण और संवर्धन किया जा चुका है।
ये चिड़ियाघर केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए नहीं खोला गया है, बल्कि यहाँ पर अनुसंधान, डॉक्यूमेंटेशन और स्टडी का कार्य भी होता है। इसके अलावा रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम भी यहाँ सुचारू रूप से किया जाता है। जंगल में जो जानवर जख्मी हो जाते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कई जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों को देखकर निश्चित तौर से आप रोमांचित हो उठेंगे। मैसूर चिड़ियाघर विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। इस चिड़ियाघर में 40 से भी ज़्यादा देशों से लाए गए जानवर रखे गए हैं। इस विशाल चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए नॉमिनल टिकट की व्यवस्था है। इसके अलावा सैलानियों के लिए यहाँ पर बैटरी चालित गाड़ियाँ और बसें हैं, जिसमें बैठकर वो पूरे पार्क का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो चिड़ियाघर की व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए यहाँ सारे टाइम यहाँ के गार्ड लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप किसी भी चिड़ियाघर को देखने के लिए जाएं, और ख़ास करके बच्चों के लिए ये हिदायत है कि उन्हें जानवरों के केज से दूर रखें और उन्हें किसी तरह का कुछ भी खिलाने की भी कोशिश मत करें। चिड़ियाघर में स्थित करंजी झील में सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इन जानवरों की एक्टिविटीज़ को देखकर एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर एक के लिए संभव नहीं होता कि वो जंगल में जाकर इन जानवरों को देख सकें, और इतने सारे जानवर तो एक जंगल में मिलेंगे भी नहीं। चिड़ियाघर के अंदर कैफेटेरिया भी है, जहाँ पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। यह चिड़ियाघर प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे खुल जाता है और शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन मंगलवार के दिन चिड़ियाघर बंद रहता है। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।